जब जब कनक के ऊपर कोई मुसीबत आती है तब तब कुहू को अचानक सी बेचैनी और घबराहट सी होने लगती है। इसलिए कुहू कहीं से दौड़ती हुई अपने कोयल के पास तो आ जाती है, मगर कुहू का दिल वहां पर भी नहीं थमता है। और वही कुहू का जो भी सपना था, अपने कोयल को पढ़ा लिखा के एक अच्छे ऊंचाइयों तक पहुँचाने का, उसका सपना कल टूट गया। क्योंकि कल प्रिंसिपल मैडम ने कुहू के अपने पास बुलाकर ये कह तो दिए थे, तुम्हारे कोयल के हरकतों से पूरे स्कूल के बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और तुम्हारी कोयल पढ़ने लायक है ही नहीं, इसलिए तुम्हारी कोयल को यहाँ से निकालने का फैसला ले लिया गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ कनक की लापता होने के पता राजीव को चलता है तो वो भी काफी घबरा जाते हैं। मगर हंसिनी कनक के लिए कोई भी प्रवाह नहीं करती है। लेकिन वही आज उन लोगों ने तो कनक को एक बंद कमरे में ले जाकर बंद करके रखे तो है, मगर कनक वहाँ पर काफी ज्यादा डरी होती है। लेकिन वहाँ पर कनक के साथ जो कुछ भी होता है उसका पूरा का पूरा असर कुहू के पास तो आ जाता है। लेकिन वही संजय और राजीव ने मिलकर कनक को काफी ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कनक का आता पता अभी तक तो नहीं चल रहा होता है। लेकिन वही राजीव और उसकी टीम ने मिलकर कनक को काफी प्रयास करने के बाद ढूंढ तो लेते हैं, मगर कनक अभी भी काफी डरी होती है। और वही कुहू आगे आने वाला ट्रैक में इसकी सच्चाई जानने की कोशिश तो करती है। लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।